हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की नई भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिक्त पदों की सापेक्ष जो है नई भर्ती यहाँ पर शिक्षा विभाग निकाल के आई हुई है, और इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है और किस तरह का है, और इसके लिए योग्यता अगर बात करें तो क्या रहेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय खिरसू पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर 4/1/2022 को निकल के आ रखी है विज्ञापन से, कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और ये भर्ती जो है आपकी अस्थायी तौर पर रहेगी, और शिक्षण कार्य हेतु यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों से आवेदन आवंटित हेतु विज्ञप्ति, तो यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। और 7/1/2022 के अनुपालन में यहाँ पर जो है महाविद्यालय के अंतर्गत जो है सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर, जो सहायक प्राध्यापक हैं उनके रिक्त पदों पर, जो कि आपकी इंग्लिश है और भूगोल है एक पोस्ट है, अर्थशास्त्र सबकी एक एक पोस्ट है, इनके सापेक्ष यहाँ पर नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपको 2021-22 हेतु यहाँ पर जो है UGC की जो विनियम है 2018 के दिए गए उनके अनुसार जो है आपको अर्हता अनुसार जो है योग्य अभ्यर्थियों को 11 माह के लिए आप जो है नियमित जो है प्राध्यापक के स्थानांतरण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से यहाँ जो है चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने तक जो है, जो कि जो भी यहाँ पे पहले हो, ठीक है, के लिए यहाँ पे जो है आपको 35,000 रुपये प्रति माह जो है आपको नियत मानदेय के पर जो है आपको आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि आपको जो है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती यहाँ पे चली हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो, मतलब 11 माह, अगर 11 माह तक हो जाता है तब तो ठीक है, आपको 11 माह तक रखा जाएगा, और उससे पहले भी अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तब तक भी आपको रखा जाएगा। यानी कि जब आपको अस्थायी तौर पर रखा गया है तब तक रहेगा। हो सकता है कि अगर भर्ती को 2 साल लग गए तो आपको 2 साल के लिए भी रखा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अस्थायी तौर पर, जब तक कि परमानेंट भर्ती ना हो जाए, क्योंकि शिक्षकों की कमी चल रखी है, प्रोफेसरों की कमी चल रखी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर जो है मांगे गए हैं आवेदन। और इनकी जो नियुक्ति का स्थान रहेगा और वो रहेगा आपका इसी महाविद्यालय में रहेगा, और इनके लिए आपको यहाँ पर कहा गया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ठीक है, सॉरी ऑफलाइन है, यहाँ पे वेबसाइट जारी कर रखा है, यहाँ से जो है आपको सभी चीज़ आपको मिलेंगे, जो आवेदन का प्रारूप है वो मिल जाएगा, और डाउनलोड करना है। उसके बाद जो है आपको स्वयं जो है या डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, ये ईमेल जारी कराया गया है, यहाँ पर आपको ईमेल के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब कि फॉर्म फिल करेंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करेंगे, PDF बनाएंगे और इस ईमेल पर डाल देंगे, और 13/4 तक जो है आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और ये जो है अस्थायी तौर पर रहेगा, जब तक कि स्थायी भर्ती नहीं हो जाती तब तक जो है आपको अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, साफ साफ में कहा गया है, ठीक है।